अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। आगरा में बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लाइन में साइबर क्राइम थाना खुल गया है। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल बीते कुछ दिनों में आगरा और उसके आसपास के जनपदों में साइबर ठगी के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिसको देखते हुए ही साइबर क्राइम थाना खोला गया है। साइबर क्राइम थाना खुलने से आए दिन हो रही साइबर ठगी के मामलों की विवेचना में भी तेजी आएगी और जल्द से जल्द इन मामलों का खुलासा भी हो सकेगा। शुक्रवार को थाने का उद्घाटन एडीजी अजय आनंद ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ फीता काटकर किया। इस मौके पर एडीजी अजय आनंद ने बताया कि सबसे ज्यादा गांव के लोगों को साइबर क्राइम से ठगा जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए ही साइबर क्राइम थाने का शुभारंभ किया गया है। साइबर क्राइम थाने में स्पेशल ऑफिसर का चयन किया गया है, जो साइबर में विशेष रुचि और अधिक जानकारी रखते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट टीम भी बनाई गई है, जो रेंज में होने वाले साइबर क्राइम की विवेचना कर जल्द उसका खुलासा करने में मदद करेगी। इस थाने में आगरा के अलावा हाथरस, मथुरा और फिरोजाबाद जिलों के भी डिजिटल अपराध के मामले दर्ज होंगे, साथ ही उन अपराधों का जल्द से जल्द खुलासा भी किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस मौके पर क्या बता रहे हैं एडीजी अजय आनंद। ये शासन का निर्देश था कि उनकी प्राथमिकताओं में एक ये भी प्राथमिकता थी कि प्रत्येक परिक्षेत्र पे एक साइबर क्राइम थाना खोला जाए। उसी के आदेश के अनुपालन में आज ये साइबर क्राइम थाना का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है, पुलिस लाइन आगरा पुलिस लाइन के प्रीमाइसेस में। और इसमें परिक्षेत्र में जितने साइबर अपराध संबंधी जो भी मुकदमे लिखे जाएंगे, परिक्षेत्र के चारों जनपदों के मुकदमे यहीं लिखे जाएंगे और विवेचना भी यहीं से होंगी। और जो यहाँ का स्टाफ है उसमें ये था कि जो दक्ष हो, जो कंप्यूटर कार में दक्ष हो, जिनको साइबर के प्रति तो थोड़ी सी इंक्लिनेशन हो, तो इसमें हमारे आईजी साहब के द्वारा पूरे रेंज के लोगों से मांगा गया था कि जो इच्छा के अपना इच्छा से आना चाहता हो, तो उनकी फिर ये इंटरव्यू ली गई और जो इस कार्य में दक्ष पाए गए उनको यहाँ पे पोस्टिंग की गई है। इसी क्रम में मैं अभी आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी 3 सब इंस्पेक्टरों की पोस्टिंग हुई, जिसमें 2 हमारे बीटेक के हैं। चूँकि अभी प्रथम चरण में शुरुआत है, जैसे जैसे हमारे पास कुछ और अच्छे लोग आते जाएंगे, वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकली वाइज इस थाना को हम और इम्प्रूव करेंगे। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जितने जो ये एक नया जो ट्रेंड, जो जिसको साइबर अपराध कह सकते हैं, डिजिटल अपराध कह सकते हैं, गाँव के लोगों को विशेषकर फ़ोन करके उनको बेवकूफ़ बना के उनसे साइबर अपराध किया जाता है। तो जो ऐसे अपराध हो रहे हैं जिनका पब्लिक डोमेन बहुत बड़ा होता है, वो किसी बाउंड्री से नहीं बंधे हैं, उनका पब्लिक डोमेन, सोशल डोमेन बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे एक थाना खुलने से परिक्षेत्र में जितने भी साइबर अपराध होंगे उनका सफल अनावरण होगा और कोशिश होगी कि इस तरह के अपराधों पे अंकुश डाला जाए। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv।